हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हो गया है 1:40 हो गया है। तो ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने सुबह ही कर दी थी वैसे, और आज मैंने खाने में बनाई है दाल मखनी, तो उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे जाके देखिएगा। और अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बस कपड़ों का ही काम होता है, पहले उनको धो, फिर सुखाओ, फिर फोल्ड करो, फिर अलमारी में सेट करो प्रेस करके। तो बस यही दिन भर चलता रहता है काम, खाना बनाओ, सफाइयाँ करो, डस्टिंग करो, ये सारा काम है। और शिल्पी की क्लास चल रही है, उसका सुबह एक टेस्ट था तो उसने वो दे दिया, और अभी वो क्लास लगा रही है। अखिल भी अपने रूम में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, और मैं अपने रूम में बैठ के ये कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो गई है, वैसे तो ज़्यादा तो नहीं है, पर ऐसे सुबह सुबह लगती है वैसे हल्का हल्का ठंडा। दरवाजे खिड़कियाँ खोल दो तो थोड़ा लेट करके ही खोलती हूँ मैं। बस थोड़ी देर बैठ के मैंने जो वीडियो पे कमेंट आते हैं वो पढ़े बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग, थैंक यू। और ना मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप हमारे वीडियो भी वॉच किया करो, देखा करो। तो जितनी कोशिश हो सकती है मैं करती हूँ, देखती भी हूँ, पर एक साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि खुद का भी काम रहता है और मेरी तो डेली ब्लॉगिंग है, डेली वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, तो पॉसिबल तो नहीं हो पाता कि एक साथ में सारे जितने भी कमेंट आते हैं, जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमारी वीडियो वॉच करो, मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सके मैं ज़रूर देखूँ सबके ही, मैं कंटिन्यू देख पाती हूँ, किसके आज किसी के कल इस तरह से देख लेती हूँ, कोशिश करती हूँ पूरा कि मैं देख पाऊँ। आई होप आप समझ सकते हो, क्योंकि खुद का भी काम रहता है, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना, बहुत सारा काम होता है, और साथ में घर का भी बहुत सारा काम रहता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि पूरा सपोर्ट करूँ जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और ये भी मुझे कमेंट आया था कि आप योगा कहाँ करने जाते हो, तो पास ही जाते हैं, कहीं दूर नहीं जाते हैं, कोई क्लासेस नहीं है, हम खुद ही योगा करते हैं सारे फ्रेंड्स मिलके। और मुझे ये भी कमेंट आया था कि नहीं ये खुद का नहीं है, और हम रेंट पे हैं यहाँ पे, और हम वैसे तो हिमाचल से हैं लेकिन यहाँ पे हस्बैंड जॉब करते हैं इसलिए दमन में रहते हैं। और एक परसों कमेंट आया था परसों वाले वीडियो पे कि आपकी बेटी आपके काम में हेल्प नहीं करती है, वो खाना नहीं बनाती है तो वो सारा खाना बना लेती है, अभी वो बाहर चावल बना रही है, और उसकी क्लास ख़त्म हो गई है क्योंकि 2 बज गए हैं, तो मैंने उसको बोला था थोड़ा चावल देख ले, और वो सारा ही खाना बना लेती है रात को डिनर में, तो ज़्यादातर वही खाना बनाती है। तो आप लोग वीडियोज़ देखा करिए, आपको पता चलेगा लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और कमेंट कर देते हैं कि आपकी बेटी आपके बेटा हेल्प नहीं करता है क्या, आप ही काम करते हो, तो ऐसा नहीं है, सबको ही हेल्प करता है, लेकिन सबको कंफर्ट नहीं हो पाता है कि वीडियो में आना। हाँ तेरे को चाहिए, ऐसे करते हैं मेरे जैसे फटाक से खत्म, बाकी किसी के जैसे किसने खाए किसने नीचे नहीं रखा है। तो यहाँ पे शिल्पी कर रही है डस्टिंग, और उसका वीडियो मैंने निकाला था, तो पहले तो वो मना कर रही थी कि मुझे नहीं आना है वीडियो में, नहीं बनाओ मेरा वीडियो, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा बोला तो मान गई। और अब मैं बना रही हूँ खाना, तो आज मैं बनाऊँगी दाल मखनी, और मैंने दाल को पहले उबाल लिया है, मैंने उसमें थोड़े से राजमा डाले हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से सूखे मसाले लिए हैं, लाल मिर्च, दालचीनी, फूल चक्री है, फिर मैंने काली मिर्च, थोड़े से लौंग, 2 से 3 ज़्यादा नहीं लिया मैंने मसाला, और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है इसमें, और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, इसमें मैंने जीरा और धनिया डाला है, उसके बाद जो भी मसाले हैं उनको डाल दूँगी, जो भी साबुत मसाले मैंने लिए हैं, और उसके बाद फिर मैं जो लाल मिर्च मैंने लिया है उसको थोड़ा सा तोड़ दूँगी बीच में से, नहीं तो तेल में कई बार वो चटकती है, तो उसको मैंने तोड़ के डाला है। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने तेल में डाल दिया है, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, और जब इनका कच्चापन निकल जाएगा तो उसके बाद टमाटर ऐड कर दूँगी, और मुझे ना बहुत टेस्टी लगती है ये दाल, इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है।
अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और अदरक और हरी मिर्च और लहसुन को मैंने कूट के रख लिया साइड में। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर उनको भी ऐड कर दूंगी मैं। और बहुत टेस्टी लगती है ये दाल ना। सब साथ साथ में मैं धनिया भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया है। और अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला जो मैं घर पे ही बनाती हूँ वही वाला। और इसमें मैंने तकरीबन एक कटोरी, डेढ़ कटोरी मैंने मलाई डाली थी इसमें, थोड़ी सी मैंने बाद में भी डाली थी। बस इस तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि फटे ना। और जो थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पूरे डाल देंगे। बस ये देखिए मैंने इस पर हल्का सा ढक्कन लगाया था तो इसने तेल छोड़ दिया पूरा और बहुत टेस्टी बनी थी सच में ही। और दूसरी तरफ मैंने कसूरी मेथी रखी है तवे पे कटोरी रख के ताकि हल्की सी गर्म हो जाए, बस इस तरह से। और इसको थोड़ा सा पहले डाल दूँगी मैं मसाले में ही और उसके बाद जो दाल मैंने उबाल के रखी थी राजमा के साथ वो डाल दूँगी। बस अब मैं कसूरी मेथी भी डाल दूँगी इसमें पूरी तरह। और मैंने इसमें बटर डाला है, आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हो, मेरे पास मक्खन नहीं था तो मैंने बटर ऐड कर दिया। और देखिए हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं तो बस अब मैं उनको ब्रेकफास्ट दे दूँगी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था, नहीं तो 8:15 बजे वो निकल जाते हैं डेली। आज थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ा सुबह सुबह। बस मैंने परांठे भी बना लिए और हस्बैंड अभी जा रहे हैं और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। और काफ़ी टाइम से ना मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप अर्ली मॉर्निंग का रूटीन भी शेयर करिए, तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ सुबह सुबह किस तरह से भागम भाग होती है दिखा देती हूँ। और ये एक नया फूल आ रहा था तो हस्बैंड अभी जा रहे हैं बस वो चले गए और इसके बाद अब हम करेंगे पार्टी नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, कोई पार्टी नहीं करेंगे, बच्चों की पढ़ाई चालू है, क्लासेस चालू हैं तो पार्टी वार्टी तो कुछ नहीं करते हम लोग, बस इस तरह से ही घर पे खाना बनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं आपस में। अरे ये भी मुझे बहुत पसंद आते हैं, मैंने ऐसे ही घर पे बैठे बैठे थोड़ा सा सोचा और बना के तैयार कर दिए। टिक्की टाइप बनाए थे कटलेट, तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल, मसूर दाल और थोड़ी सी उड़द दाल ली है बिना छिलके वाली और थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दिया है और खूब सारा हरा धनिया, जितना ज़्यादा हो सके अच्छा रहता है, बहुत टेस्ट आता है। अदरक और दो हरी मिर्ची ली है मैंने। बस अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और ये गरम मसाला, ये वाला मैं घर पे बनाती हूँ खुद ही, मैं बाज़ार का यूज़ नहीं करती हूँ। और थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा, इसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। और बाइंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा बेसन यूज़ करूँगी, तकरीबन आधा चम्मच काफ़ी रहेगा, बहुत अच्छे से बाइंड हो जाती है उनसे। तो बस ये देखिए हल्की हल्की हरी रहेंगी ये, बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं इनको ऐसे तवे पे ही सेकूँगी एकदम टिक्की जैसे और बहुत टेस्टी लगती है ये ना खाने के साथ। बच्चे तो बहुत खुश होकर खा लेते हैं इस तरह की चीज़ें ना, बस उनको थोड़ा सा मक्खन लगा के दे दो बातें बातें करके तो वो खा लेते हैं। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, ज़्यादा भी तेल यूज़ नहीं करेंगे हम इनमें। और अब मैं इनको पलट दूंगी और अब एकदम मीडियम गैस पे ही हम इनको सेकेंगे, ज़्यादा तेज गैस नहीं करेंगे। और बाहर से दोनों आवाज़ें भी लगा रहे थे, खाना बना नहीं क्या अभी तक, तो बस मैं इनको सेकने के बाद फिर रोटी बना लूँगी। ये देखिए हम बन के तैयार हो गई हैं, ये दूसरी बार की है और ये देखिए बनके तैयार हो गई, बहुत टेस्टी लगी थी।
मैंने पहले भी एक दो बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है इसकी, तो मैं टेस्ट करके बता रही हूँ कि कैसी बनी है। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े धो दिए मैंने आज। कल आपको दिखाया था ना कि दो दिन से मशीन नहीं लगाई थी तो क्या बुरी हालत हो जाती है, बहुत सारे कपड़े। और अभी ये थोड़े से बाकी हैं, इनको सूखने के लिए डालना है मुझे, और वही डालने के लिए जा रही हूँ, दूसरी वाली बालकनी में डालूँगी। मुझे लगा 3:45 हो रहे होंगे लेकिन नहीं, 3 बज गए हैं। काफ़ी लेट हो गया था मुझे कपड़े डालने के लिए दूसरी बारी के, और एक हाथ से फ़ोन उठाना और दूसरे हाथ से टब तो नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो सर पे ही उठा के चलती हूँ आज। खुद को भी हंसी आ रही थी, लेकिन एक हाथ से तो नहीं उठ रहा था टब मेरे से। बस अब मैं यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी, दूसरी वाली बालकनी है ये हॉल की। तो ये बेडशीट लगाई थी मैंने बच्चों के रूम की, वो भी बाकी थी, मुझे आज धोना ही पड़ा उसको, नहीं तो कल के लिए फिर और भी ज़्यादा हो जाते हैं। बस इसको मैं यहाँ पे डबल करके ही डाल दूँगी, क्योंकि एक दो कपड़े और थे डालने के लिए मुझे। तो देखिए 2-3 दिन के बाद मशीन लगाओ ना तो कितना भारी काम हो जाता है। बस बिल्डिंग में रहने का ये एक नुकसान है, जगह बहुत कम होती है, मतलब एकदम कंजेस्टेड जगह होती हैं। हालांकि 2 बालकनियाँ हैं लेकिन फिर भी मुश्किल ही हो जाती है, ज़्यादा कपड़े हो जाए ना तो उस दिन थोड़ी मुश्किल ही हो जाती है डालने के लिए। तो बस इसलिए मैं डेली मशीन लगाती हूँ ताकि आसानी से सूखने भी डाल सकूँ। और तो इसके साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ, और बेल को ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय बाय, थैंक यू।